तो फ्रेंड्स, जब भी आपने आधार कार्ड से जो है पैसे निकाले होंगे या फिर सिम एक्टिवेशन कराया होगा तो वहां पर आपका जो है फिंगरप्रिंट स्कैन किया होगा, तो आपने यहां पर ये भी सोचा होगा कि जो आपका फोन का इनबिल्ट जो है फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है उसकी मदद से जो है आप पैसे निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, या फिर जो है सिम एक्टिवेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो इस वीडियो में आपको जो है फुल्ली एक्सप्लेन करके जो है बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं शिव जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेंसर रहते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो सेंसर आया था वो ऑप्टिकल सेंसर था, उसके बाद जो कैपेसिटिव सेंसर आया, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर आया। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट पैटर्न का डिजिटल इमेज कैप्चर करता है और उसको जो है डिजिटली प्रोसेस करके बायोमेट्रिक टेम्पलेट बनाता है। इसका काम जो है आप आधार कार्ड के काम में करते हैं, जैसे आपका पैसा निकालना हो गया और जो है सिम एक्टिवेशन करना हो गया, तो इसमें जो है आधार कार्ड का जो काम रहता है वो आप जो है ऑप्टिकल सेंसर की मदद से जो आप कर पाते हैं। अब आपका जो है कैपेसिटिव सेंसर, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अब ये जो कैपेसिटिव सेंसर रहता है ये जो है ऑप्टिकल सेंसर से जो ज़्यादा सिक्योर रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है आपका जो फोन में इनबिल्ट जो सेंसर रहता है ये जो है ऑप्टिकल सेंसर से ज्यादा जो है सिक्योर होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर सर्किट्स लगे होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट्स के उभारों को कलेक्ट करते हैं। सर्किट्स इतने छोटे होते हैं कि उंगलियों की उभरी रेखाओं को जो है संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाते हैं और जो गैप वाली जो जगह रह जाती है वैलीज जिन्हें हम बोलते हैं वैलीज वाली जगह पे ये इनएक्टिव रहते हैं। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये सेंसर फिंगरप्रिंट का एक टेम्पलेट तैयार करते हैं जिनका इस्तेमाल ये फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई करने में करते हैं। प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि फ्रेंड्स ये ऑप्टिकल सेंसर से भी जो है फास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये ऑप्टिकल सेंसर से भी और जो है कैपेसिटिव सेंसर से भी अच्छा माना गया है, क्योंकि जो है 3D स्कैनिंग करता है और ये काफी जो है डिटेल कैप्चर करता है, इस वजह से ये जो है सबसे अच्छा माना गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ये काम कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आपने जो है आधार कार्ड का जो एनरोलमेंट कराया होगा तो आपने जो है ऑप्टिकल डिवाइस से ही अपना एनरोलमेंट कराया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो आपने ऑप्टिकल डिवाइस से जब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जो है कराया था तो आप जो है कैपेसिटिव सेंसर से आप कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फोन में जो कैपेसिटिव सेंसर लगा रहता है इससे जो है आपको आधार का काम बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एनरोलमेंट रहता है वो आपका जो है ऑप्टिकल डिवाइस में हुआ है और ये जो फोन में इनबिल्ट रहता है ये जो है आपका कैपेसिटिव सेंसर रहता है। इस वजह से जो आप फोन के इनबिल्ट सेंसर से आप आधार का काम बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। अब आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए जो है आपको ऑप्टिकल डिवाइस में जो है आपको RD रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब भी आप जो है नया डिवाइस खरीदते हैं तो आपको जो है RD रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो सिक्योरिटी है इन दोनों सेंसर से काफी कम है, इस वजह से जो है RD रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फोन का इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपका आधार का काम करने लगे तो सरकार को जो है बिल्कुल ही नए तरीके से आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। ऑप्टिकल डिवाइस छोड़ करके जो है आपको कैपेसिटिव सेंसर को उपयोग में लाना पड़ेगा। जितने भी आधार कार्ड बने हैं उन्हें द्वारा से जो है कैपेसिटिव सेंसर से जो है बायोमेट्रिक स्कैनिंग लेना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आप फोन के स्कैनर का यूज कर पाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आप जो है फोन के स्कैनर से क्यों नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड का काम। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।